हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर गाइज हम लोग बात करने वाले अपने फ्री फायर के OB42 अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइज, अपना जो नेक्स्ट ओबी अपडेट है वो आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, उसके अंदर कौन सा न्यू कैरेक्टर आने वाला है, कौन सा न्यू पेट आने वाला है, कौन सी न्यू इवोगन आने वाली है, कौन सा न्यू कोलैबोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी की सारी डिटेल गाइज आप लोगों को आज की इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देख लेना, एंड पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। सो चलिए गाइज हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं OB42 अपडेट के एडवांस सर्वर की। तो गाइज देखो, जो एडवांस सर्वर का प्रे रजिस्टर है वो आप लोगों को 28 सितंबर को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियली जो प्रे रजिस्टर है वो आप लोगों को 28 सितंबर को मिल जाएगा, बट अगर आप लोग उससे पहले रजिस्टर करना चाहते हो तो गाइज आप लोगों को अपने फोन की जो डेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। देन आप लोग क्रोम के ऊपर जाकर OB42 अपडेट का जो एडवांस सर्वर है उसका प्रे रजिस्टर कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पर डाउनलोड जो ऑप्शन आप लोगों को शो होता है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 13 अक्टूबर को। जी हाँ गाइज, 13 अक्टूबर को आप लोगों को जो डाउनलोड ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर हम लोग बात करें कि OB42 अपडेट कब आएगा, मतलब जो मेंटेनेंस ब्रेक है या फिर पेच डे है वो हम लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो गाइज उसकी डेट बताई जा रही है 1 नवंबर को आप लोगों को जो OB42 अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या बात है सर। अभी गाइज यहाँ पर चलो बात कर लेते हैं हम लोग कोलैबोरेशन की, कि कौन सा कोलैबोरेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे देखें तो गाइज अभी अपना डेमोन सेलर का जो कोलैबोरेशन है वो अपने गेम के ऊपर आना बाकी है। कल के वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अपना जो डेमोन सेलर का कोलैबोरेशन इवेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 26 सितंबर को। उसका जो ऑफिशियल बैनर है वो भी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो। एंड जैसे कल की वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को बोला था कि बुयाडे का इवेंट और जो डेमोन सेलर का कोलैबोरेशन इवेंट है वो एक ही साथ में अपने गेम के ऊपर रन करने वाले हैं, तो बुयाडे का इवेंट भी आप लोगों को 26 तारीख से ही स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसके अलावा गाइस इंडिया में अपना MS धोनी सर का जो कोलैबोरेशन इवेंट है वो अभी आना बाकी है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि फ्री फायर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अपने MS धोनी सर, तो उनका भी कोलैबोरेशन गाइस आप लोगों को शायद OB42 अपडेट के अंदर ही देखने को मिलेगा। और गाइस लीक से निकल कर आ रही है कि जब भी फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तब सुनील छेत्री के साथ भी यहाँ पर जो गरेना वाले कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इसके अलावा एक और कोलैबोरेशन गाइस आने वाले जो कि आप लोगों को रेगनारोक के साथ देखने को मिलेगा। रेगनारोक 2.0 कोलैबोरेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। इसके थीम पर गाइस आप लोगों को कुछ यहाँ पर रिवर्ड्स भी देखने को मिलने वाले, जिसे आप लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर एक रिंग इवेंट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर गाइस आप लोगों को रेगनारोक के थीम के 2 बंडल मिल जाएंगे, प्लस अपना जो पोरिंग पेट है वो आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, पोरिंग पेट फ्री फायर का सबसे रेयर पेट, जो कि गाइस आई थिंक इंडिया सर्वर के अंदर 100 से 200 बंदों के पास यहाँ पर आई थिंक हो सकता है। तो गाइज ये जो पोरिंग पेट है ये आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर उसके जो बंडल्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरह के रिंग इवेंट के अंदर रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो रेगनारोक 2.0 का कोलैबोरेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ एनिमे है जिसके साथ गरेना वाले फ्यूचर में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब गाइज फ्यूचर में भी कर सकते हैं या फिर आप लोगों को OB42 अपडेट के अंदर भी ये जो कोलैबोरेशन है इनमें से कोई एक एनिमे के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर टोटल 15 कोलैबोरेशन आने वाले हैं, तो एक एक करके मैं सारे कोलैबोरेशन के आप लोगों को यहाँ पर जो नाम वो बता देता हूं कि किन किन एनिमी के साथ यहां पर गरेना वाले कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो अभी गाइस देखो, मैं आप लोगों को ये जो कोलैबोरेशन के नाम बता रहा हूं, एनिमी के नाम बता रहा हूं, इनमें से गाइस सारे एनिमी के साथ गरेना वाले कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, बस एक के साथ गरेना वाले कोलैबोरेशन करने वाले हैं। वो भी गाइस कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिलेगा या फिर फ्यूचर में आप लोगों को मिलेगा, बट हां मेरे पास लीक आई है कि इन सारे एनिमी के साथ गरेना वाले फ्यूचर में कोलैबोरेशन है वो करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस अपकमिंग इवोगन की हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख पा रहे होंगे, यहां पर इस टाइप का स्क्रीनशॉट है। एंड इसके अंदर गाइस अपकमिंग जो इवोगन्स आने वाली है फ्यूचर के ओबी अपडेट के अंदर, जो इवोगन्स हम लोगों को देखने को मिलेगी वो सारी आप लोग यहां पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये सारी आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है, तो सारी इवोगन आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। तो आप लोग देख सकते हो ये अपनी फ्यूचर की इवोगन होने वाली है जो कि आप लोगों को मिलेगी। यहां पर इवो ग्रोजा है, तो ग्रोजा तो गाइस आप लोगों को इसी मंथ शायद देखने को मिल जाएगी या फिर अक्टूबर मंथ के अंदर इसका जो फेडेड व्हील है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ग्रोजा की स्किन तो आ चुकी है, बाकी की जो इवोगन है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। इस टाइप की आप लोगों को मतलब मिलने वाली है सारी इवोगन। अभी गाइज यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर कौन सी इवोगन हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइज देखो, 3 इवोगन अभी भी पेंडिंग है काफी ओबी अपडेट से। उनमें गाइज फर्स्ट आती है अपनी इवो स्कार 2.0, जिसका लुक गाइज कुछ इस तरह का आप लोगों को मिल जाता है। दूसरी आती है गाइज अपनी इवो SC80, एंड तीसरी आती है अपनी इवो G80। तो गाइज ये 3 इवोगन ऐसी है जो कि काफी ओबी अपडेट से पेंडिंग पड़ी है। तो गाइज हो सकता है कि इनमें से कोई एक आप लोगों को नेक्स्ट ओबी अपडेट के अंदर मिल जाए, अगर गाइज अपडेट आने से पहले गरेना वाले कोई और इवोगन का 2.0
वर्जन ला देते, जैसे MP40 का 2.0 वर्जन आया, M10 का 2.0 वर्जन आया, वैसे गाइस किसी और गन का भी यहाँ पर जो गरेना वाले 2.0 वर्जन है वो ला सकते हैं। अगर मेरे पास नेक्स्ट ईवो गन का लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी यहाँ पर 3 ईवो गन जो पेंडिंग पड़ी है उसी में से एक आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर पेट की हम लोग बात करें कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर कौन सा पेट हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो गाइस देखो साफ सीधी सी बात है, यहाँ पर गरेना वाले ही खुद कंफर्म किए हैं कि आप लोगों को यहाँ पर एक पेट देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा लिटिल मॉन्स्टर। इसका आप लोग ट्रेलर भी अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो गाइस अपना जो OB42 अपडेट आएगा उसके अंदर आप लोगों को एक न्यू पेट देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा लिटिल मॉन्स्टर। अब ऐसा हो सकता है अपडेट से पहले भी गरेना वाले इस पेट को ला दे, नहीं तो गाइस अपडेट के बाद तो 100% कंफर्म जो लिटिल मॉन्स्टर पेट है वो आप लोगों को अपने गेम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये होने वाला है गाइस अपना न्यू पेट जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिलेगा। इसके अलावा कैरेक्टर की हम लोग बात करें कि कौन सा कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो गाइस देखो कैरेक्टर के अंदर भी दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी ओबी अपडेट से पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें गाइस मेल कैरेक्टर का नाम है स्वेर या फिर मतलब कुछ है स्वेर, ऐसा कुछ नाम है इसका आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड दूसरा जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है स्नोवी। तो गाइस यहाँ पर दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी ओबी अपडेट से पेंडिंग पड़े हैं, तो इन कैरेक्टर को भी गरेना वाले यहाँ पर ला सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और 4 कैरेक्टर है जिसके मैं फोटो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। इनके नाम अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं लेकिन फोटोज यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बारी बारी से चारों फोटो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इनमें से भी गाइस कोई एक कैरेक्टर आप लोगों को यहाँ पर अपने नेक्स्ट ओबी अपडेट के अंदर मिल जाएगा। और गाइस एक और कैरेक्टर है जो कि OB41 अपडेट के एडवांस सर्वर के अंदर हम लोगों को देखने को मिला था, मिस्ट्री कैरेक्टर, वो भी अभी आना बाकी है, जिसका गाइस आप लोगों को मतलब कुछ इस तरह का स्किल देखने को मिल जाता है, फायर वॉल टाइप का आप लोगों को मतलब यहाँ पर इसका जो स्किल है वो देखने को मिल जाता है। तो ये कैरेक्टर भी आना बाकी है, इसका भी गाइस अभी तक नाम रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा पेंडिंग कैरेक्टर है वो तो सारे मैं आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर टोटल 6 कैरेक्टर पेंडिंग पड़े, मतलब 6 नहीं 7 आप लोग बोल सकते हो, मिस्ट्री कैरेक्टर भी अभी पेंडिंग ही है। तो इन 7 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर आप लोगों को अपने नेक्स्ट ओबी अपडेट के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें अपने OB42 अपडेट का मेन इवेंट कौन सा होने वाला है, तो गाइस यहाँ पर देखो OB42 अपडेट के अंदर 2 इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो हेलोवीन का रहने वाला है और दूसरा आप लोगों को मिल जाएगा दिवाली का। तो अभी जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैं बताया कि यहाँ पर डेमन स्लेयर का कोलैबोरेशन इवेंट एंड बुया डे 2023 का इवेंट एक साथ अपने गेम के ऊपर आने वाले है, तो सेम उसी तरह से गाइस यहाँ पर हेलोवीन का इवेंट एंड दिवाली का इवेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर गाइस आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप लोग डेली मेरी वीडियोस को देखते हो, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि दिवाली का इवेंट एंड हेलोवीन का इवेंट है वो एक साथ अपने गेम के ऊपर आने वाले हैं। तो जैसे ही गाइस अपना नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा उसके बाद में आप लोगों को हेलोवीन का इवेंट देखने को मिल जाएगा, देन आप लोगों को यहाँ पर दिवाली का जो मेगा इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा। दिवाली का जो रिवर्स होने वाले हैं वो अभी तक अपने गेम के फाइल के ऊपर ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसे ही OB42 अपडेट आ जाएगा उसके बाद में दिवाली रिवर्स को भी ऐड कर दिया जाएगा गेम के फाइल के ऊपर, तो मैं आप लोगों को दिवाली रिवर्स का भी फुल रिव्यू यहां पर करके दिखा दूंगा। इसके अलावा गाइस हम लोग वीडियो के लास्ट अपडेट की बात करें कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर कौन सी हाइपर बुक हम लोगों को देखने को मिलेगी, तो गाइस देखो एक हाइपर बुक अभी भी यहां पर पेंडिंग पड़ी है जिसका नाम है इमोर्टल इग्निशन हाइपर बुक। इसके सारे जो रिवर्स है वो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहां पर देख पा रहे होंगे, काफी सारे यहां पर मतलब जो फायर के थीम के रिवर्स है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये होने वाली गाइस अपनी न्यू हाइपर बुक जो कि पेंडिंग पड़ी है, तो ये आप लोगों को शायद अपने OB42 अपडेट के अंदर मिल जाएगी। अब इस अपडेट के अंदर तो आप लोगों को रैम्पेज की हाइपर बुक देखने को मिली, इसी वजह से इसको यहां पर पेंडिंग कर दिया, तो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो इमोर्टल इग्निशन हाइपर बुक है यहां पर देखने को मिल जाएगी। अभी तो गाइस और भी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है मेरे पास, जैसे यहां पर इन्फॉर्मेशन आती जाएगी नेक्स्ट अपडेट को लेकर मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर एक एक करके बताता जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई थी OB42 अपडेट को लेकर सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।